मॉर्निंग बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 5 हिंदी का लेसन नंबर 3 शेर और चित्रकार। यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं, हम इनका सरलार्थ करना है। ठीक है, पूरी कविता का सरलार्थ करेंगे हम इसी वीडियो में। आप इसको लास्ट तक ध्यान से सुनते रहें। इसके शब्दार्थ और इनसे जो संबंधित प्रश्न उत्तर बनते हैं वो भी इसी में करवाएंगे। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। तो जो पहली लाइन है, चित्रकार सुनसान जगह में, सुनसान का मतलब क्या होता है? बियाबान, ऐसी जगह जहां कोई ना आता जाता हो। तो चित्र मतलब उसकी पेंटिंग बना रहा था, किसकी? सुनसान जगह में, जंगल में, पेड़ पत्तों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, नदियों को देखकर वो चित्र बना रहा था। इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। तो इतने में ही क्या होता है कि वहां पर यमराज का जो मित्र है, कौन? यहां पर शेर को यमराज का मित्र कहा गया है। यमराज कौन है? मृत्यु का देवता। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, और उसका ध्यान एकदम से भटक जाता है, और नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश। उसके अंदर सारा जो उत्साह था वो निकल जाता है। तो कोई भी हम कविता का पद्यांश करते हैं, उससे पहले उसका प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग मतलब उसे हम बताएंगे कि ये जो लाइन्स हैं, जो पंक्तियाँ हैं, वो कहाँ से ली गई है, किन्होंने लिखी है, कविता का नाम क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित कविता शेर और चित्रकार से लिया गया है। इसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, और इस कविता में उन्होंने चतुर चित्रकार के शेर के चंगुल से बच निकलने की कथा कही है। यानी उसने बताया कि चित्रकार जो है वो कैसे शेर से बचा। तो हर पद्यांश में हमने ये प्रसंग लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आगे हम इसका सरलार्थ करते हैं। कवि कहता है कि चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। तो इसका सरलार्थ में हम कैसे लिखेंगे इसको? कवि कहता है कि एक बार चित्रकार किसी सुनसान जगह पर कोई चित्र बना रहा था, इतने में ही वहां आ गया यमराज का मित्र। तो इतने में ही मृत्यु के देवता यमराज का मित्र एक शेर वहां पर आ गया। और फिर क्या होता है? उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, के उसको देखकर शीघ्र ही, तुरंत मतलब शीघ्र, चित्रकार ने जो उसके शेर को देखकर शीघ्र ही चित्रकार घबरा गया। ठीक है, होश उड़ जाना, घबरा जाना। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह गया ना कुछ जोश, और जो जोश उसको उसमें नदी पहाड़ पेड़ पत्तों को देखकर जो चित्र बनाने का जो जोश उत्साह उसके अंदर उमड़ रहा था, वह अचानक से गायब हो जाता है। तो ये इसका सरलार्थ हमें हर इसी प्रकार लिखना है। हर पद्यांश का सरलार्थ हमें इसी प्रकार लिखना है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आपको उनके उत्तर देने पड़ेंगे। क्या है? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर है ये, जो हमने अभी सरलार्थ किया है उसी में से है। चित्रकार सुनसान जगह पर क्या कर रहा था? किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए? यमराज का मित्र किसे कहा गया है? जोश का समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। चित्रकार को किन चीजों का थोड़ा भी जोश नहीं रह गया? सुनसान शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाएं। तो ये आपको करना है। दूसरा जो पद्यांश है उसमें क्या कहता है कवि? फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो सरलार्थ से पहले आपको इसका प्रसंग लिखना है, वही जो हमने पिछले पद्यांश में किया था। उसके बाद इसका सरलार्थ करते हैं, साथ में इसके वर्ड मीनिंग भी क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, हिम्मत मतलब साहस। ठीक है, देख उसे चुपचाप, कवि कहता है कि जब उसने कुछ देर तक शेर को चुपचाप खड़े देखा तो उसमें कुछ साहस आ गया, उसमें कुछ हिम्मत आ गई। तब उसने शेर से क्या कहा? बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उसने कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपको एक सुंदर सा चित्र बना देता हूं। वो चित्रकार था ना, चित्रकार क्या करता है? चित्र बनाता है। तो उसने शेर से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका भी एक चित्र बना देता हूं। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। उकड़ू मकड़ू का मतलब जो होता है घुटने मोड़कर, और वह अपने शरीर के सारे अंगों को मोड़कर वहां पर बैठ जाता है, और बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर।
चित्रकार के जब उसने कहा चित्रकार ने कि आप बैठ जाइए मैं आपका चित्र बना देता हूँ, तब शेर ने क्या किया, अपने सारे अंगों को इकट्ठा करके और घुटने मोड़कर बैठ गया और चित्रकार की ओर देखने लग गया कि अब आप मेरा चित्र बनाते रहिए। ठीक है, तो इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। किसे चुपचाप देखकर किसको हिम्मत आई? चित्रकार ने शेर से क्या कहा? चित्र बनवाने के लिए शेर कैसे बैठ गया? शेर चित्रकार की ओर कैसे देखने लगा? हिम्मत शब्द का समान अर्थ देने वाला शब्द लिखिए। बटोरना शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाएं। इसके बाद तीसरा पद्यांश है, चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार क्या कहता है? चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, आप मुंह उधर तो करिए जंगल के सरदार। के कवि कहता है कि चित्रकार ने शेर के अगले हिस्से का चित्र बना लिया। अब चित्रकार शेर को कहता है कि हे जंगल के मुखिया, सरदार मतलब मुखिया, कि हे जंगल के सरदार, मैंने आपके आगे का चित्र बना दिया है, आप दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाइए ताकि मैं आपके पीछे का चित्र भी बना सकूं। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, और इस प्रकार वह शेर जो था चित्रकार की बात मानकर, ठीक है, और पीठ उसके पीछे करके बैठ गया, चित्रकार की ओर उसने पीठ कर ली। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। तब चित्रकार वहां से चुपचाप ऐसे भाग गया। कैसे भाग गया? जैसे कोई चोर चोरी करने के बाद भाग जाता है। ठीक है, क्यों भागा वो? क्योंकि उसको खतरा था कि जैसे ही चित्र पूरा होगा शेर तुम्हें खा जाएगा। अब कुछ प्रश्न है, चित्रकार ने शेर से क्या कहा और शेर कैसे बैठ गया? चित्रकार वहां से कैसे खिसक गया? जंगल का सरदार किसे कहा जाता है? चोर का विलोम शब्द लिखिए। खिसका शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाओ। आगे तीसरा पद्यांश है, बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर? तो सरलार्थ करने से पहले हमें प्रसंग लिखना पड़ेगा, वही जैसे हमने पीछे किया था। तो आंख मूंद कर मतलब आंख बंद करके। तो कवि कहता है कि शेर बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके चित्रकार की तरफ पीठ करके बैठा रहा, परंतु बैठे बैठे वह सोचने लगा कि चित्रकार को उसका पीछे का चित्र बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है। ठीक है, बैठे बैठे लगा वह क्या सोचने लगा? बैठे बैठे लगा सोचने, इधर क्यों हुई क्यों देर? झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। इधर चित्रकार क्या करना, क्या किया उसने? चित्रकार जो था झील के पास आया, वहां एक नाव खड़ी थी और एक बांस भी उसके साथ लगा हुआ था। चित्रकार ने क्या किया, उन्होंने नाव पकड़ ली मतलब नाव में सवार हो गया और वह अपने आप को सुरक्षित समझकर जी भरकर सांस लेने लगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। वह अपने को सुरक्षित समझकर जब जी भर के सांस लेने लगा और चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर वहां से दूर निकल गया, उधर शेर चित्रकार से धोखा खाकर खिझ रहा था, वह क्रोधित हो रहा था, चिढ़ रहा था। ठीक है, चिढ़ना तो था ही क्योंकि उसका शिकार हाथ से निकल गया है, और चित्रकार ने भी जी भर के सांस ली कि वह शेर से बच गया है एक नाव के कारण। अब बैठे बैठे शेर क्या सोच रहा था? चित्रकार किसमें बैठकर जान बचाकर भागा? शेर क्यों झुंझला रहा था? देर का विलोम लिखिए। नाव के साथ क्या रखा था? और झुंझलाहट शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाएं। तो ये प्रश्न है, ये आपको करने हैं। अंतिम पद्यांश है, शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए
जंगल में अभ्यास। खिसियाकर मतलब क्रोधित होकर, और कायर का अर्थात होता है बिना उत्साह वाला, डरपोक। ठीक है, तो सरलार्थ में हम क्या लिखेंगे, शेर बहुत खिसियाकर बोला नाव जरा ले रोक। शेर ने, शेर कवि से क्या कहता है, शेर बोला हे कायर डरपोक चित्रकार, अपने कागज और कलम तो लेता जा। शेर बहुत खिसियाकर बोला, और वह उसमें बहुत गुस्सा था कि अपनी नाव को रोको और अपने कागज कलम यहाँ से ले जा, तू तो बड़ा कायर है, डरपोक है। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, और चित्रकार ने तभी कहा, क्या कहा, कि आप कागज और कलम अपने पास ही रख लीजिए। क्यों, चित्रकार चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास, कि आप जंगल में रहकर इसकी सहायता से चित्रकला का अभ्यास करो, कि अब मैं वापिस आने वाला नहीं। ठीक है, क्यों, अगर वापिस जाएगा तो क्या होगा, यस, शेर उसको खा जाएगा। तो ये शेर की जो उसको मारने की प्लान था कि पहले से चित्र बनवा लूँ फिर इसको खा जाऊँगा मैं, लेकिन चित्रकार बहुत ही चालाक था, उन्होंने अपनी चालाकी का प्रदर्शन किया। ठीक है, और बड़े ही अच्छे ढंग से वहाँ से वो भाग गया। ठीक है, और ये सब कैसे हुआ, चित्रकार की समझदारी की वजह से। ठीक है, तो हमें भी समझदारी की बातें करनी चाहिए, अगर मुश्किल में हम कहीं पड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए, एकदम से घबराना नहीं चाहिए, हर समस्या का समाधान निकलता है। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता, अच्छी लगी ना, हाँ, तो इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है वो हम अगले भाग में करेंगे, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और इसके भी कुछ प्रश्न बनते हैं वो आप नोट कर लीजिए, खिसियाकर कौन बोला, शेर ने चित्रकार से क्या कहा, चित्रकार ने शेर से क्या कहा, डरपोक शब्द का विलोम लिखिए, खिसियाकर शब्द का प्रयोग कर वाक्य बनाना आपको, और इस कविता के रचनाकार का नाम भी बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।